राजस्थान में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा चलाए गए अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के अंतर्गत पेपर लीक मामले में झाड़ोल बस स्टैंड पर भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर अभियान चलाते हुए विरोध जताया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राजस्थान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पिछले दिनों राजस्थान में हुए पेपर लीक, महिला उत्पीड़न, हत्या सहित अन्य कई आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी का विरोध जताया। इस दौरान भाजपा झाड़ोल मंडल अध्यक्ष नीलम राज पुरोहित, शंकर गायरी, लाल सिंह राणावत, धीरज पूर्विया, भावुक जैन सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने झाड़ोल मंडल मुख्यालय पर नई सहेगा राजस्थान जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश द्वारा कार्यक्रम चल रहा है, इसका मतलब ये है कि राजस्थान सरकार जो करते हैं, चाहे महिला अपराध हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे हत्या हो, बलात्कार, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जिससे राजस्थान संसार हुआ है, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भर में एक कार्यक्रम चला रखा है नहीं सहेगा राजस्थान। अर्थात इन बातों को राजस्थान की जनता और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नहीं सहेगा, और इसके माध्यम से हम सभी जनता कर रहे हैं कि 2023 में चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ दें और कांग्रेस की निकम्मी सरकार को हटाए, यही इसका उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।